देखिए, मैंने अभी एक सवाल के जवाब में कहा था, ये बात हकीकत है जो आप दिल्ली के लोग बैठे हैं या देश के अंदर, तीन बातें अभी चल रही है। नंबर एक, शानदार योजनाएं राजस्थान लागू हुई है, परफॉर्मेंस शानदार सरकार की, नो एंटिंगमेंट, ये भी बहुत रेयर होता है, थोड़ी बहुत तो एंटिंगमेंट हो ही जाती है सरकारों के अंदर, चाहे कितनी अच्छी सरकार काम करे। ये शायद संभवतया हमारी गवर्नमेंट, मुझे गर्व होना चाहिए कहते हुए कि आप लोग कहते हो या आम लोग कहते हैं कि कोई एंटिंगमेंट है ही नहीं राजस्थान के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर एक। नंबर दो, सीएम के खिलाफ में कोई आरोप नहीं है, ओके हैं, ठीक है। नंबर तीन, कि एमएलए के खिलाफ में जो है चार करप्शन के भी हैं और मतलब उनके खिलाफ में एंटीगमेंट भी है। ये है, लोग उम्मीद करते हैं बहुत टिकट कटेंगे, टिकट तब करते हैं जब उसका विकल्प हो वहाँ पर, नंबर एक। नंबर दो, ये विपक्ष का काम है माहौल बनाना, पर्सन बनाना, भाई करप्शन बहुत हुआ है एमएलए के ऊपर, इसलिए एंडिंग में लागू होती है। मैंने एक बात कही, जब सरकार बदलने का जो ये बीजेपी ने जो नया मॉडल अपनाया है देश के अंदर, खतरनाक माहौल है, वो खतरनाक मॉडल है, चुनी सरकार को आप हॉस्टेडिंग करके आप उनको गिरा रहे हो, मणिपुर, गोवा के अलावा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, क्या क्या नहीं हुआ अरुणाचल प्रदेश का, तो एक मुख्य एक्स मुख्यमंत्री सुसाइड करना पड़ा उसको, क्या बात कर रहे हो आप लोग, ये तो सब इतना बड़ा देश है, बाधा दब जाती है, बाधा दब जाती है, अगर कोई रोंगटे खड़े कर देती बातें वो याद आती तब, ठीक है ना। आप बताइए क्या क्या नहीं हुआ है, और मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, दिन दहाड़े डाका डाला गया, जो कहते हैं वो हो गया, तो ये देख देख रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट बच गई हमारी, क्यों बच गई, एक तो हाईकमान का पूरा सपोर्ट मेरे साथ था, मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, वेणुगोपाल डेरा डाल के बैठे, 40 दिन तक बैठ गए हमारे साथ में वहाँ पर, ठीक है। और दूसरा, वहाँ की जनता ने जो साथ दिया, जनता ने फोन किया एमएलए को, क्योंकि 10-10 करोड़ मिले थे उनको, ओवर 10 करोड़ की थी। आप बताइए हिंदुस्तान के इतिहास में, मैं मांग रहा हूँ कॉन्फिडेंस वोट लेने के लिए असेंबली बुलाओ, स्पीकर मना, गवर्नर मना कर रहा है, ऐसा कभी होता है, उल्टा हो गया, जनरल उल्टा होता है, वो कहते हैं कि आप क्योंकि विश्वास में खो चुके हो इसलिए आप असेंबली बुलाइए। और मुख्यमंत्री जी रिलेक्टेंट रहते हैं, मेरे केस के अंदर उल्टा हो रहा था, हमें धरना देना पड़ा गवर्नर, उसमें आपको याद होगा, संघर्ष करना पड़ा, तब जाके वो डेट फिक्स हुई है ऐसे बुलाने की, विश्वास मत मैं ले रहा हूँ और मुझे बुलाने जा रहा है। जब डेट फिक्स हो गई तो रेट बढ़ गई 10, 20, 30, 40, ठीक है। और ये हकीकत है, जब मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक में, और आपका 50 MP चले गए आपके महाराष्ट्र के अंदर, सबके ऊपर ED-PD के छापे डाले जा रहे थे, कोई 50 करोड़ की बात करे, कोई 35 करोड़ की बात करता हूँ आप, ठीक है। तो ये स्थिति, तो मैं ये कहा कि मेरे MLA को ऑफर था पैसा 10 करोड़ में पहली किस्त, और टच एंड गो था वो, ऐसा नहीं कि मैं कोई 20-25 लोगों लेके बैठा हूँ वहाँ पे एक्स्ट्रा, टच एंड गो का खेल था, तब भी 40 दिन तक उन्होंने साथ निभाया। पब्लिक ने कहा फ़ोन कर करके, हमारे MLA साहब आपको 6 महीने रहना पड़ेगा रही होटल के अंदर, ये सरकार गिरनी नहीं चाहिए, जिसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे वहाँ पर, ये अगर कहे जनता उनको MLA को, वो मुझे कहते थे सभी फ़ोन आ रहे कार्यकर्ताओं सबके, उस माहौल में मैंने सगा बचाई। तो मैंने कहा मेरी चर्चा देश भर में पहली बार उस रूप में हुई है, तो इसलिए हुई है कि बाकी सरकारें गिर गई और राजस्थान सरकार ने बचा ली है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर ये करप्ट होते MLA हमारे तो 10-10 करोड़ रुपये बहुत होते भाई, 10 करोड़ रुपये किसको क्यों मना करते, फिर वो वही पैसे ले लेते बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलते हमारी सरकार गिर जाती, तो सरकार नहीं गिरी हमारी, तो मैं कैसे मानूं करप्ट लोग थे, ये मैंने कहा उनको। बाकी लोग जयपुर में आकर पूछ, थैंक यू, धन्यवाद।